मैं किसी लड़की की शादी में गई थी, शायद हिंदू रीति रिवाज में लड़की का सबसे पहला फंक्शन होता है लग्न का, तो मैं वहाँ गई हुई थी गाने बजाने के लिए। तो करीब 15-16 साल की लड़की की शादी हो रही थी, मतलब लगन लिखी जा रही थी, तो मैंने वहाँ से आकर के ये कविता लिखी थी। सुनिए और अच्छा लगे तो तालियां बजाइए। माँ मुझको छुपा लो आंचल में, माँ मुझको छुपा लो आंचल में, क्यों मुझे पराया करती हो, क्या खता हुई मुझसे पापा, क्या खता हुई मुझसे पापा, जो देश निकाला करते हो। जब अश्रु तुम्हारे बहते हैं, जब अश्रु तुम्हारे बहते हैं और अश्रु मेरे भी बहते हैं, अगर इतनी ही प्यारी हूँ मैं, फिर मुझको विदा क्यों करते हो। माँ मुझको छुपा लो आंचल में, क्यों मुझे पराया करती हो। भैया तेरी मैं वो बहना, भैया तेरी मैं वो बहना, जिससे लड़ते तुम रोज़ाना, बहना तेरी मैं वो बहना, जिससे लड़ती तुम रोज़ाना, अगर तेरी प्यारी नहीं हूँ मैं, अगर तेरी प्यारी नहीं हूँ मैं, फिर आँख तेरी ये क्यों नम है। माँ मुझको छुपा लो आँचल में, क्यों मुझे पराया करती हो, क्या खता हुई मुझसे पापा, क्यों देश निकाला करते हो। हम जब पैदा हुए थे करीब 6 महीने 1 साल 1.5 साल माँ को बहुत परेशान किया था, तो मैंने वही कविता लिखी है। माँ तेरे बालों को मैंने खींचा, माँ तेरे बालों को मैंने खींचा, थप्पड़ तुझे लगाया मैंने, माँ तेरे बालों को मैंने खींचा, थप्पड़ तुझे लगाया मैंने, तेरा प्यार बड़ा निराला, फिर भी गले लगाया तुमने, अपनी थाली से खाना लाकर तुमने मुझे खिलाया है, अपना कोट उतार कर तुमने मुझे ठंड से बचाया है, मुझको बाहों में लेकर माँ तुम सब कुछ भूल जाती हो, मेरी इच्छाओं के आगे माँ तुम खुद को झुका लेती हो। तुझ पर कितना लिख सकती हूँ यह तो मुझको ज्ञात नहीं है, तुझ पर कितना लिख सकती हूँ ये तो मुझको ज्ञात नहीं है, पर तू है एक अनमोल तोहफा, इससे बड़ी कोई सौगात नहीं है। आगे की 4 लाइनें मैं अपने माता पिता के नाम करना चाहूँगी। मेरी सफलताओं पर मुझसे ज़्यादा आपका हक है, मेरी सफलताओं पर मुझसे ज़्यादा आपका हक है, कभी मुझसे ज़्यादा आपका हक है, मेरी सफलताओं का श्रेय मैं आप दोनों को देना चाहती हूँ, कभी आप दोनों को लव यू नहीं बोला, आज आई लव यू बोलना चाहती हूँ।